आप लोग देखो जब गाड़ी चल रही है तो इसका लुक कैसा बन रहा है देखो भाई। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज जो है आपका भाई आपके लिए लेके आया एक स्पेशल व्लॉग। ये व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये शाम तक जाएगा क्योंकि मेरे को आपको नाइट का आउटपुट दिखाना है। सो आप लोगों ने अगर कल वाली होंडा सिटी वाली वीडियो देखी है तो मेरे को जरूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और उसमें जो एमिड लाइटिंग हो रखी थी वो बहुत जबरदस्त थी, वो अपनी वाली एमिड लाइटिंग थी जो कि ये है, ठीक है भाई। तो इसका बहुत लिमिटेड स्टॉक है जो कि अवेलेबल है, अगर आप में से कोई भी लेना चाहे तो उसको खरीद सकते हो। अगर आपको ये एमिड लाइटिंग खरीदनी तो ये आप लोगों को 3200 रुपए प्लस शिपिंग के प्राइसिंग में पड़ेगी। और एक चीज और बताता हूँ, ये आपकी 5 मीटर की होती है, इसमें एक 6 मीटर और 7 मीटर की भी आती है, तो उनके प्राइसिंग जो है वो अलग अलग है और वो जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है, वो बहुत जल्दी स्टॉक आउट होने वाली है। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी में ये लगाऊंगा क्योंकि नॉर्मली हर गाड़ी के अंदर यही लग रही है। एक चीज बताता हूँ, इस प्रोडक्ट की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती क्योंकि ये 5 प्रोजेक्टर से चलती है। जिससे आप फिटिंग करा रहे हो उससे सही से करवाना, और आज मैं भी करवाऊंगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा। इसी के साथ में एक प्रोडक्ट और है जिसका नाम है भाई, बोलते ना कि भाई जब गाड़ी चलती है तो ऊपर की तरफ से टायर के ऊपर लाइट पड़ती है, तो एक तरीके से वो लाइटिंग जो है वो मैंने पसंद तो कर ली है। अभी स्टिल क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स भी मेरे पास आए, मैंने उनको डिस्पैच भी कर दिया है, लेकिन स्टिल अपनी गाड़ी में लगा के दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या रिस्पॉन्स है। के लिए मैंने एक ये पानी की बॉटल खरीदी है, बड़ी जबरदस्त बॉटल है ये पता नहीं, देख लो भाई कितने ml है, 1500 ml है भाई। तो ऑलमोस्ट मतलब आपका जो है पूरे दिन का जो है पानी वाला जो है वो पूरा कर देती है, तो प्लीज पानी जरूर पियो। इसी के साथ में इस प्रोडक्ट को मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। तो देयर यू गो, ये आप लोगों की ऐप से चलती है जैसा कल आप लोगों को गुरजोत ने भी दिखाया होगा। और इसके अंदर जो है आप लोगों के 5 प्रोजेक्टर लगे होते हैं और 5 मीटर की लाइट होती है, जिसमें आपकी आधी जो होती है वो छोटी वाली आगे की तरफ में होगी और बड़ी वाली जो होती है, मतलब मोटी वाली जो होती है वो आगे की तरफ में लगती है और पतली वाली पीछे की तरफ में लगती है, ठीक है। तो मैं अकेला हूँ नहीं तो मैं आप लोगों को पूरी चीज़ दिखाता। देखो ये आप लोगों को मोटी दिख रही है, तो ये जो है जहाँ जहाँ पर फंसने वाली जगह है वहाँ पर ये फंस जाएगी, और ये जो साइड वाली होती है ये आप लोगों के यहाँ पर पूरे इनमें चलती है। तो प्लीज़ इसके इंटीरियर को बुरा मत मानना, लेकिन अभी लाइटिंग जो है आप लोगों को लगा के दिखानी है तो इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। और मेरे को ज़रूर बताना क्या रिस्पॉन्स है। और ये सीधा आप लोगों की जो है बैटरी से कनेक्ट होता है, इसके लिए कोई रिमोट नहीं चाहिए इसको, अगर आप ऐप से कंट्रोल करते हो तो उससे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। आईब्रो लैम्प होते हैं वो बेसिकली आप लोगों के टायर्स के ऊपर जो है उसकी तरफ में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसमें आप लोगों को क्या क्या ऑप्शन मिलता है एक बार देख लो, कार व्हील आईब्रो लैम्प बोला जाता है इसको, ठीक है। ये आप लोगों के चारों टायरों के जो है ऊपर की तरफ में लगते हैं। इसमें कुछ आने वाले टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें और आने वाली है। ये रिमोट से कंट्रोल होती है, ये ऐप से कंट्रोल वाला नहीं है। इसका सीधे पावर जो है वो आप लोगों को बैटरी से देना है, और ये इसका पूरा आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई। तो बाकी जैसा रिस्पॉन्स होगा इसका लगाते वक्त तब आप लोगों को दिखाऊंगा, और बाकी रात को जो है दोनों चीज़ों का आउटपुट आने वाला है। फिलहाल के लिए देख लो हमारी जो पूरी गाड़ी है उसको खोल दिया गया है, ठीक है भाई। जो है वो लाइटें बिछाना स्टार्ट कर रहा है और सही से स्ट्रिप लगाएंगे और उसके बाद जो है इसका रिस्पॉन्स है। टाइमर मार के भाई सही तरीके से इसको लगाएंगे, ठीक है। ये लाइट पूरी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, चारों को जो है बराबर लेवल में लगाएंगे जिससे लाइट बढ़िया लगे, और बाकी जो है भाई आप लोगों को रात को ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। वायरें जो है वो सारी अंदर अंदर से जाएगी, पीछे वाली जो है वो आपकी टेल लाइट से होते हुए पूरा अंदर की तरफ, मतलब सारा अंडरग्राउंड वाला काम है। नोट कर लो यहाँ पर हाफ ट्यूब जो है वो हमने डलवा ली है, ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लुक लगेगा। उतने वाले में थोड़ा सा हसल होगा इसलिए उसको छिड़कानी नहीं करा रहे हैं, एक जो डलवाएंगे यहाँ से डलवाएंगे और लुक देखते कैसा है। हम लोग जो है अपनी गाड़ी के अंदर हॉर्न भी चेंज कराने वाले हैं, ठीक है। पहले हॉर्न सुन लो अभी और बजाओ। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग जो इसमें लगाने वाले हैं वो है हाइड्रोसोनिक का हॉर्न, ठीक है भाई। तो इसकी 1 साल की गारंटी वारंटी मिलती है, इसको इंस्टॉल कराएंगे फिर आपको आवाज़ सुनाएंगे। और ये आपका हॉर्न है क्रेटा टाइप हॉर्न। तो मैंने अपने जो स्विफ्ट है ना उसमें 2 पीस लगवाए, मतलब बेसिकली मेरे जो है 2 बॉक्स मैंने पूरे लगवा दिए क्योंकि मेरे को बहुत सारी लाइटें चाहिए थी। तो जो इसका मेन प्रोजेक्टर होता है वो यहाँ से और यहाँ से प्रोजेक्ट आप देख सकते हो। बाकी अगर ऐसे करके देखोगे तो आपको लाइट दिख जाएगी, दिन में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन रात का आउटपुट दिखाऊंगा तब देखो। ऐप से देखो भाई, भाई कंट्रोल कर रहा है और पूरा चल रहा है बढ़िया तरीके से भाई। एक नंबर आइडिया दे रहा हूँ मैं रफ कि कैसे आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्टर जो है बेसिकली वो सब चीज़ें एमिट करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भाई ने पूरी इसकी वायर निकाली, तो हम लोग हर उसमें 2 प्रोजेक्टर लगा रहे हैं। नॉर्मली 5 प्रोजेक्टर आते हैं लेकिन मैं 2 पीस लगा रहा हूँ, तो मेरे पास 10 प्रोजेक्टर है क्योंकि मुझे लाइट अच्छे से एमिट करते हुए देखना है। तो आप लोग देख लो यहाँ पर प्रोजेक्टर जो है पूरा सही तरीके से फिट होता है, भाई करके भी दिखाएगा तब मैं आपको एक आइडिया दूँगा। भाई ये है आप लोगों का पूरा गुच्छा जो कि मेन बॉक्स के साथ में जो आपके प्रोजेक्टर भी इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं पहले कह रहा हूँ जिससे भी आप लगवा रहे हो उस बंदे को पूरी इसके बारे में चीज़ें समझाओ, उनको ये वीडियो भी दिखा देना, आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लो भाई सही तरीके से इसको बिछवाना होता है और उसके बाद ही जो है इसका फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। उलझाना नहीं है, सुलझाने वाले काम करना, ठीक है, और अच्छे तरीके से लगवाओ। जो मतलब ये काम है ना ये बहुत कहते हैं कि बारीकता से की जाता है, साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ों का ऑल्ट्रेशन भी किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू योर जो भी आप लोगों का गत्ता है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है। आप लोग देख लो भाई कितने बारीकी से भाई जो है पूरी चीज़ें बराबर कर रहा है जिससे ये अंदर फिट हो सके, और जो उसका लुक आता है बहुत ज़बरदस्त लुक आता है भाई, है ना। रात के लिए मैं बहुत वेट कर रहा हूँ ईगरली, और मीनवाइल मेरी ये वाली लाइटें भी लग चुकी है,
ठीक है। इसका आउटपुट आप लोगों को बहुत जल्दी चेक कराऊंगा और दिन का तो व्यू दिखाऊंगा, साथ में रात का भी दिखाऊंगा। एक बार चेकआउट कर लो मेरा भाई जो है वो कैसे पूरी जो लाइटिंग है उसका चीज़ें बनाता है, जो प्रोजेक्टर होता है वो आपके इस तरीके से लगाए जाते हैं जो आपकी लाइट होगी। नीचे वाली लाइट भी दिखा भाई, कहाँ लगी हो, कर दिया उसको फिट, नीचे फिट है और नीचे फिट है, देख लो भाई। ठीक है, एक यहाँ पर लगा दिया बढ़िया तरीके से, जो बढ़िया एमिट कर रहा है। दिन में पता नहीं कितना मज़ा आएगा लेकिन रात में तो धमाका मचाएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ना। देख लो पूरी फिटिंग पीछे से होती है और पूरी स्नग फिट होती है, कॉर्नर्स कॉर्नर्स में आप लोगों को लाइट ज्यादा जलती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी जो है जैसे ये ऑफ है, जैसे ये ऑन हो जाएगा तो इसके कॉर्नर में आपको अपने आप ही पूरी लाइटिंग का इफेक्ट दिखेगा। आप लोगों को कुछ मैजिक दिखाने वाला हूँ जो कि दिन में आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अभी आप लोगों को ज्यादा लाइटिंग नहीं दिख रही है लेकिन इस तरफ अंधेरा है तो इस तरफ जो है पूरा आप लाइटिंग का रिस्पॉन्स जो है वो चेकआउट कर सकते हो, इट लुक्स सुपर ग्रेट। और भाई जो मैंने आगे की तरफ में पूरी ये लाइटिंग करवाई है, इसके लिए मुझे ये वाला कपड़ा जो था मेरा ये पूरा उतरवाना पड़ा। यहाँ पर जो कपड़ा था वो मैंने वैसे उतार दिया और इसके काफी स्टेन भी रह गए, वो भी हटाऊंगा। तो नीचे की जो मेरी ये एटमोसफेयर लाइट है जो कि रिमोट से कंट्रोल होती है, इट्स गोइंग सुपर स्मूथ। ठीक है भाई, पीछे भी वैसे ही चल रहा है सब कुछ। और अगर आप लोग लाइटिंग का रिस्पॉन्स देखना चाहते हो, इट लुक्स सो गुड। और बाकी अभी सामान पड़ा हुआ पीछे, जब गाड़ी से वो भी निकल जाएगा तब मैं आप लोगों को बहुत अच्छा ओवरव्यू जो है वो दिखा पाऊंगा। ये केवल मतलब अभी करीबन 7:16 हो रहे हैं, 9 बजे वीडियो आ रही होगी तो अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब और मजा आएगा। और जो मेरी फेंडर लाइटिंग है वो भी मैं आप लोगों को चेकआउट करा रहा हूँ, वो मैंने अपनी फॉग लाइट के साथ कराई है इंस्टॉल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से उतरते हैं बाहर। ठीक है भाई, तो आप लोग फेंडर लाइटिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी चेकआउट कर लो। और ये केवल अभी दिन के टाइम में, मतलब 7 बजे वाला टाइम है जब आप लोगों को लाइटिंग का रिस्पॉन्स ऐसा देखने को मिल रहा है। जब गाड़ी चलेगी और ये लाइट जब टायर के ऊपर डलेगी तो और ज़्यादा जबरदस्त लगेगा। और ये भी पूरा परफेक्ट रिमोट के साथ काम करता है जो कि मैं आप लोगों को रात को तो ऑल दो चेकआउट कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से एक छलांग लगाई। ठीक है, तो चेक दिस आउट, इट लुक्स सो गुड। अभी आई गेस ये लॉक्ड है, अगर ये खुला होता तो मैं आपको दिखाता, ये भी लॉक्ड है भाई, तो मेरे को फिर से टापना पड़ेगा। ठीक है, और अंदर की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, बहुत जबरदस्त भाई। तो कैसा लग रहा है इंटीरियर का पूरा रिस्पॉन्स जरूर देना। ये बड़ी जबरदस्त लाइटिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा हुआ है और मैंने अपनी गाड़ी में 2 डिब्बे लगवाए हैं, यानी कि 10 प्रोजेक्टर इस गाड़ी के अंदर लगे हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप अंधेरा कर दोगे तो और जबरदस्त लगेगा। और ये जो है आपका पूरा ऐप कंट्रोल से भी होता है, तो मैं ऐप डालूंगा और उसके बाद आपको और रिस्पॉन्स चेकआउट कराऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को हॉर्न का रिस्पॉन्स सुनाने वाला हूँ जो कि हमारा हाइड्रोसोनिक का हॉर्न है और इसमें बिल्कुल क्रेटा टाइप आवाज आती है। देखो मजा आया कि नहीं आया, अंदर बैठ के आवाज सुनोगे, बढ़िया है भाई, सब आवाज गूंज रही है। तो भाई ये बिल्कुल थम्स अप है। बाकी मैं आप लोगों को फेंडर लाइटिंग के कलर वाला सब कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। इस गाड़ी के अंदर जो हॉर्न आप लोगों को चेंज होने के बाद आवाज का रिस्पॉन्स पता चला है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जहां तक फेंडर लाइटिंग के बारे में बात करोगे, उसकी पूरी वायरिंग जो है वो यहीं से होते हुए आ रही है और वो सीधे अगर आप लोग देखोगे फ्यूज बॉक्स से होते हुए सीधे आप लोगों की जो बैटरी है उससे कनेक्शन इसका मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी चेकआउट करना है, अभी इसमें ब्लू लाइट हो रखी है और मेरे पास है ये रिमोट और ये जो डिवाइस है इसी के पास सेंसर होता है, तो आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो इसको अगर हम येलो में चेंज करना चाहें, आप देख सकते हो येलो हो चुका है। अगर ब्लू में चेंज करना चाहो, ब्लू हो चुका है। और जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर है वो है ऑरेंज। ऑरेंज कलर बड़ा जबरदस्त लगता है, होंडा सिविक की आप लोगों को याद दिला देगा। ठीक है, तो दिन में मैं इसका रिस्पांस दिखा रहा हूँ, रात को तो इसका और जबरदस्त रिस्पांस होगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो ब्राइट दिखता है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है वो ब्लू कलर है। ब्लू कलर काफी जबरदस्त लगता है, लेकिन हम लोग जो है इसको रखेंगे ऑरेंज में एंड लेट्स सी इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से लगा है, हॉर्न भी इसके अंदर लगा दिया गया है। इसी के साथ में जो आप लोग नीचे HID अभी रिस्पॉन्स वाइज चेकआउट कर रहे हो, इसको भी हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं और इसके अंदर हम डालेंगे जिमर वाली HID और उसके बाद वो बहुत जबरदस्त होगा। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को जिमर की HID नहीं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वाले में दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड और आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स बताऊंगा। सो आप लोग देख रहे हो मेरी गाड़ी का नाइट मोड, तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज दिखाने वाला हूँ वो है भाई ये वाली आपकी फेंडर लाइट्स। इट लुक्स वेरी डोप जब गाड़ी स्पीड में चल रही होती है और तब कोई बंदा देखता है तो इट लुक्स वेरी गुड। बहुत जबरदस्त वाला जो लुक है वो इसका आता है। अगेन आप लोगों को आगे का भी ओवर लुक दिखाया था। इसी के साथ में मेरे हाथ में जो है रिमोट भी है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हाथ से काम कर जाना चाहिए, यहाँ से काम नहीं कर रहा, थोड़ा पास जाके करके देखते हैं। देख लो भाई इधर से काम कर रहा है पूरा सही तरीके से। और देखो वैसे ज्यादा जिस लाइट का ज्यादा बोल वाला है, देखो ये सारे मिक्स कलर भी जलने लग गए। जैसा आप लोग चाहो अपने अकॉर्डिंग, लोग चाहो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, वैसे अगर देखने में आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, इट लुक्स वेरी नाइस। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को फिर से इस तरफ ले जाके दिखा रहा हूँ। मेरी गाड़ी का पीछे का लाइटिंग का सेटअप बड़ा जबरदस्त लगता है मेरे को पर्सनल लेवल में। ठीक है, तो हम लोग फिर से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमारा रिमोट जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर देखने के उससे बात करोगे
तो हरा रंग जो है वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में ना। ये आपका ब्लू है और ये आपका हरा है, ब्लू है, हर तरीके का कलर जो है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को बड़ा पर्सनल लेवल में अच्छा लगा भाई, है ना। पूरा ओवरलुक जो है उसका बड़ा ज़बरदस्त है। और ग्रीन कलर को अगर चूज़ करना चाहो आप ग्रीन कलर चूज़ कर सकते हो, जौन सा भी आपको कलर पसंद आया भाई वोला कलर जो है आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी बढ़िया लग रहा है देखने में तो, है ना। इसका भी ओवरलुक बहुत ज़बरदस्त है। और मेरी आगे की एक लाइट है जो कि अभी ब्लिंक कर रही है बड़े ख़तरनाक तरीके से, तो ये वाला जो है ये मैंने चेंज करवाना है अभी। ठीक है, तो अभी अंधेरा इतना है कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं पता चल रहा, ये लाल ये। तो भाई हरे रंग का थोड़ा सा लुक जो है वो मेरे को जम रहा है। और दूर से अगर आप लोग देखना चाहो, थोड़ा सा विशाल आगे गाड़ी चलाते रहे, हल्की सी चला दे आगे, हल्की हल्की चलाते रहे। देखो भाई, तो आप लोग देखो जब गाड़ी चल रही है तो इसका लुक कैसा बन रहा है। देखो भाई, आप लोगों के सामने है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है भाई, बाबा एक नंबर। देखो आपका भाई भागता हुआ आपके लिए जा रहा है साइड में दिखाने, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलो भाई रोक दो। तो भाई ये तो आपकी मेन बात हो गई है, अंदर का मैंने स्टीरियो पहले ही ऑफ कर दिया और मैंने जो है ऊपर से भी जो है लाइटें ऑफ कर रखी है। तो दिस इज हाउ द सेटअप लुक्स लाइक। तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिप लाइटिंग जो है ये हमने बिछा रखी है। इसके अंदर मैंने दो लाइट जो है वो यूज करी है। एक बार साइड का आप लोग रिस्पॉन्स देखो, इट लुक्स सो डोप। ठीक है भाई, साइड से ये भी आप लोग चेकआउट कर लो कितना बढ़िया लग रहा है। ऑल्दो ये वाला जो मेरा लाइटिंग सेटअप है, ये दरवाजा खोलने पे ब्लू है और वैसे एम्बिएंट लाइटिंग वाला लुक है वो आपको जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए भाई अनलॉक कर दो। देखो भाई, तो भाई काम जरूर बताना किस तरीके का हुआ है, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसी है। तो हमें भी लाइटिंग का शौक बड़ा चढ़ा था, मैंने भी ये लाइटिंग का शौक पूरा कर लिया। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग जो है गाड़ी के अंदर बैठते हैं जैसे ही, और ये वाली लाइट जो है हमारी क्लोज हो गई और मेरी एम्बिएंट लाइटिंग वाली जो है वो चल चुकी है। तो विशाल जरा एक बार अपना फोन तो दिखा दे भाई लोगों को, जिसमें थोड़ा लाइटिंग जो है हम चेकआउट करा सके। तो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पेयर्ड होगा, देख लो भाई। ठीक है, तो हर तरीके का कलर जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, इट लुक्स रियली नाइस। तो भाई जो है थोड़ी गाड़ी आगे अगर चलाएंगे, ठीक है, तो आप लोग और एंजॉय। ये कलर अच्छा है ना, ये आंखों में ज्यादा चुभ भी नहीं रहा, इट लुक्स वेरी नाइस। हाँ, स्पीडोमीटर के साथ भी जा रहा है भाई, सही कह रहा है, सही है, बड़ा डिसेंट सा कलर है, है ना, बढ़िया सा लग रहा है। तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरा बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और कैसा पूरा ये इंटीरियर का लुक है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापसी ऑफिस पे और विशाल जो है अभी शूट कर रहा है। तो आज जो मैंने आप लोगों को लाइटिंग दिखाई, सबसे पहले आप लोगों की जो एम्बियंस वाली लाइटिंग होती है इसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी 3200 प्लस शिपिंग। 5 मीटर की ये आप लोगों को जो है ट्यूब लाइट मिलती है। अगर आप लोग चाहो तो हम आपको 6 और 7 मीटर की भी अवेलेबल करा देंगे, उसमें कॉस्टिंग में थोड़ा फर्क आता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक पूरी गाड़ी में लगाने के लिए आप लोगों को ये ऑप्शन मिलता है। मैंने अपनी गाड़ी में 2 से लगाई क्योंकि मेरे को जो प्रोजेक्टर का रिस्पॉन्स था वो ज्यादा चाहिए था। अगर आप लोग चाहो तो डबल पीस खरीद के उसको लगवा सकते हो, उसमें थोड़ी सी आप लोगों की जो अंदर वाली वो सफेद वाली चीज होती है वो बच जाती है, तो उसको आप रीयूज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट है 3200 रुपीज प्लस शिपिंग। इसी के साथ में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था जो कि आप लोगों के फेंडर में लगता है, ये बड़ी जबरदस्त लाइट है, इसको आईब्रो लैंप बोला जाता है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 2200 रुपए, 2200 रुपीज प्लस शिपिंग। आप लोग कहीं पर भी चाहो आप लोगों को शिप हो जाएगा, बस आप लोगों ने शिपिंग प्राइस देना। मैं जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों तक शिप कराता हूं वो DTDC से कराता हूं क्योंकि वो सुनवाई करते हैं। लोकलों से भेजूंगा तो वो 50, 100, 200, 300 रुपए मांगते हैं, लेकिन वहां पर एश्योरिटी नहीं है। मैं DTDC से भेजता हूं, दे आर वेरी गुड एट सर्विस। और तीसरी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा हाइड्रोसोनिक कवच जिसकी 1 साल की गारंटी वारंटी है, इन दोनों प्रोडक्ट में आप लोगों को कोई भी तरीके की गारंटी वारंटी नहीं मिलती है। इसको आप लगाओ, ये चलते बहुत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अनलेस एंटिल आप इसको अब्यूज करो। जहां तक हॉर्न की बात है, हॉर्न आपको मिलेगा 1200 रुपए प्लस शिपिंग और इसमें 1 साल की गारंटी वारंटी आप लोगों को मिलती है। तो वैसे देखो सब चीजों मैंने आप लोगों को बता दी है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको समझा भी दिया। एक चीज जो कि मैंने अभी अपनी गाड़ी में लगाना है, अभी थोड़ा सा इधर भाई थोड़ा लॉट की तरफ ले आते, तो भाई ये है हमारी जिमर की HID, 1 साल की गारंटी वारंटी के साथ आती है। देखो भाई, ठीक है भाई, जिमर का पूरा वारंटी कार्ड आपको मिलेगा। और ओरिजिनल जो है, आप लोगों को अगर पता करना है कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट ओरिजिनल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो आप लोग देख सकते हो इसके ब्लास्टर में आप लोगों को पूरा ये सिल्वर में ऐसे ब्रांडिंग में होता है और इसमें सिल्वर में आप लोगों का जिमर लिखा हुआ होगा, मतलब पूरा ये ग्रे के ऊपर जिमर लिखा होगा। जब लिखा हो तभी मानना, स्टिकरिंग लगी हुई है पीछे ऑल्दो, लेकिन ये जिमर जो है वो जरूर लिखा होना चाहिए। और ये जो ऑर्डर है ये हम लोग भेज रहे हैं केरला, और केरला से मेरे को बहुत अंधा प्यार है, हैदराबाद से बहुत अंधा प्यार है, गुजरात से बहुत अंधा प्यार है, और मुंबई से बहुत अंधा प्यार है, जहां से मेरे पास रोज के कम से कम 40 से 50 ऑर्डर्स केवल मतलब इन स्टेट से आते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। तो आप लोगों ने जितनी चीज देखी, गाड़ी कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखी
लिए MUSAFIR7011 यानी कि मुसाफिर 7811 मुसाफिर कार्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहते हो लिखो मुसाफिर कार जाके फॉलो करो, मुसाफिर को अगर फेसबुक में फॉलो करना लिखे मुसाफिर स्कॉट। सो विद दिस सेट गाइस करते हैं आज की इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय। ये तो बता दो भाई गाड़ी लगी कैसे यार? एक नंबर लगी। पहले विशाल बोल रहा था बाहर से छिछोरे लग रहे हम लोग, बाहर का कुछ करना पड़ेगा विशाल, कलर चेंज करने पड़ेंगे, कलर चेंज करके रखो, लाल वाला रखो या कुछ भी रखो। भाई देखो हम अपना ओवरव्यू सही बताते हैं, और बड़े देर से टोपी ढूंढ रहा था, टोपी नहीं मिलती। ये चलो भाई बाय बाय।